फ्रेंड्स लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को क्लिक कर दे ताकि आने वाली नोटिफिकेशन के बारे में पता चल सके। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। माय नेम इज निक एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन जॉब न्यूज। सो दोस्तों, आज भी हम एक एक करके काफी सारे वैकेंसीज के बारे में, डिटेल्स के बारे में हम जानेंगे। लेकिन गाइज, अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक के आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑनगोइंग वैकेंसीज के बारे में आपको पता चल सके। तो गाइज, ये जून के फोर्थ वीक की वैकेंसीज है गाइज। नागपुर के साथ साथ आप देख सकते हो आज यवतमाल में भी काफ़ी सारे जॉब्स की वैकेंसीज आई है। तो गाइज, अगर आप किसी भी एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हो, जस्ट 8 पास स्टूडेंट हो, 10 पास स्टूडेंट हो, या फिर किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन की, उन सभी के लिए अपने पास जॉब्स होती है। चाहे इसके लिए आपको किसी तरह का कोई फीस नहीं देना होता है, ना इसकी कोई एग्जाम होती है। ये 100% फ्री जेन्युइन जॉब्स होती है गाइस। तो आपको विद इन 8 to 10 डेज में ही अप्लाई करना होता है क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर की ऑनगोइंग वैकेंसीज होती है गाइस। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वैकेंसीज के बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप वीडियो देखते हो तो गाइस, फर्स्ट मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप 480 पीपी पे वीडियो देखिए ताकि आपको क्लियर दिख जाएगा। जो भी एडवर्टाइजमेंट में आप लोगों को जॉब डिटेल्स बताता हूँ वो आपको टोटली क्लियर दिख जाएगा। दूसरी बात यह है कि गाइस, मेरी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज थोड़ा साउंड हाई करके सुनिएगा ताकि मुझे थोड़ा बोलने में अभी थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो गाइस, थर्ड मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, तो जब भी आप यूट्यूब पर अगर सर्च करोगे तो गाइस आपको करना क्या है, हैशटैग ऑनलाइन जॉब यूज करके सर्च कर देना है। सो गाइस, तो जैसा भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं गाइस, तो अगर आप नागपुर शहर से बिलोंग करते हो तो गाइस आपको करना क्या है, नागपुर के सामने आपको ओनली हैशटैग लगा देना है नागपुर जॉब्स करके, तो ताकि वहाँ की ऑनगोइंग वैकेंसीज सबसे पहले आपको पता चल सकेंगे। और साथ ही साथ गाइस, या फिर आप चैनल का नाम लेके चैनल के सामने भी आप हैशटैग लगा दोगे तो भी गाइस आपको ऑनगोइंग वैकेंसी सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से कहाँ से वैकेंसीज आई है। और गाइस प्लीज आप लोग मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो गाइस, ये देख सकते हो आप, फर्स्ट जो वैकेंसी आ रही है महाराष्ट्र स्टेट नागपुर सिटी से, तो गाइस देख सकते हो यहाँ जो अर्जेंटली रिक्वायर्ड है गाइस, ये जो वैकेंसी आ रही है, ये आ रही है उर्ची ग्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से। तो गाइस इसको मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, जैसा भी आप स्क्रीन पे क्लियरली देख पा रहे होंगे, तो गाइस ये देखिए, एक रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे, ये नागपुर के लिए और वर्धा के लिए यहाँ पे जगह निकली हुई है। यहाँ आप देख सकते हो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जगह निकली है। या देखिए सिविल के लिए बी मांगा है इन्होंने और 10 to 5 years की 15 years का एक्सपीरियंस मांगा है। साथ ही साथ यहाँ पे साइड इंजीनियर की जगह देख सकते हो आप, नागपुर के साथ साथ वर्धा में भी है गाइस। यहाँ पे डिग्री के साथ साथ डिप्लोमा अगर आपके पास है, डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है, 3 to 5 years का एक्सपीरियंस है, तो सिविल वालों के लिए तो एक अच्छा मौका है। काफ़ी लोग मुझे सिविल की वैकेंसीज के बारे में ये करते हैं, तो ये अभी अच्छा मौका है सिविल इंजीनियर्स के लिए। अब देख सकते हो यहाँ पे, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं टोटली एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाती है। देख सकते हो साइट टू सुपरवाइजर के लिए जगह है, रेजिडेंट स्टोर कीपर के लिए है, आर्किटेक्ट के लिए मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए बी आर्किटेक्टर इन्होंने मांगा है, साथ ही साथ परचेस मैनेजर के लिए भी जगह है। साथ ही साथ आप देख सकते हो 7 नंबर की जो वैकेंसीज है, रियल इस्टेट स्केल के तरफ से एग्जीक्यूटिव मैनेजर के लिए मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी एज 30 to 40 के बीच में अगर आती है और 3 to 5 years का एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ नीचे में आप देखोगे तो फीमेल के लिए टेलीकॉलर के लिए भी जगह निकली है गाइस। यहाँ पे 18 to 35 के बीच में अगर आपकी एज आती है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस, ये जो ऊपर के फर्स्ट से लेके जो ये जो वन प्रोजेक्ट मैनेजर से लेके ये जो फोर्थ रेजिस्टेंट स्टोर कीपर के जो पोस्ट है उसके लिए जो इन्होंने पोस्ट रखी है वो ओनली फॉर वर्धा लोकेशन, एंड बाकी के जितने भी है फिफ्थ से लेके आप देख सकते हो आर्किटेक्ट से लेके 8 तक के वो नागपुर लोकेशन के लिए। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है आपको करना क्या है गाइस, आपको इस दिए गए
ईमेल एड्रेस पर आपको अपना रिज्यूम सेंड कर देना है, या फिर नीचे आप देख सकते हो इंटरव्यू के लिए पर्सनल कॉल नंबर दिया हुआ, उस पर भी कॉल करके जा सकते हो। सो दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है, आ रही है सेकंड नंबर की वैकेंसी। आप जैसा देख पा रहे होंगे जगदम्बा ऑटोमोटिव कंपनी के तरफ से वैकेंसी आई है। ये सीनियर अकाउंटेंट के लिए एक जगह निकली है, इन्होंने फुल टाइम के लिए पोजीशन है ये, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। ये आपकी क्वालिफिकेशन दी हुई है, आपको यह नंबर दिया हुआ है, आपको अगर अप्लाई करना है तो गाइस इस दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप सेंड कर सकते हो, या फिर इस दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है, आप देख पा रहे होंगे गाइस थर्ड नंबर की वैकेंसी। यहाँ गाइस देख सकते हो ये रिक्वायर फैकल्टी फॉर 11-12 जेई नीट के लिए। यहाँ जो फैकल्टी की जगह निकली है, अगर आप टीचिंग में एक्सपीरियंस बिलीव करते हो और टीचिंग में आपको अच्छा लगता है पढ़ाना, तो गाइस अच्छा मौका है। आप लोगों के पास जो भी एक्सपीरियंस फैकल्टी है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। आपको अपना ईमेल रिज्यूम जो है डीसी इस पे आपको 7670@gmail.com पे सेंड कर देना, या फिर आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हो 25 तारीख को सुबह 10 बजे से 2 बजे के बीच में। यह एड्रेस दिया हुआ है उमरेड रोड पे। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आती है गाइस, वो देख सकते हो फोर्थ नंबर की वैकेंसी। ये वॉक इन इंटरव्यू है गाइस, यहाँ पे देख सकते हो ये जो वैकेंसीज आई है ये तापरसंस मोटर्स की तरफ से आ रही है। आप देख सकते हो सेल्स फोर्स मैनेजर के लिए पोस्ट है, डीलर सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए भी पोस्ट है, रूलर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए पोस्ट है, सर्विस एडवाइजर के लिए है, टेक्नीशियन टू व्हीलर के लिए भी पोस्ट है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट आपको जाना कब है, 25 और 26 जुलाई को गाइस ये वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। तो सुबह दोपहर को 1 बजे से 3 बजे के बीच में इस दिए गए एड्रेस पर आपको चले जाना है गाइस, या फिर आप इस दिए गए ईमेल एड्रेस पर रिज्यूम सेंड कर सकते हो, या फिर दिए गए कॉल भी कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये फिफ्थ नंबर की वैकेंसी गाइस। तो गाइस ये जैसा आप देख सकते हो ये कि नागपुर में गाइस एक प्राइवेट स्कूल अभी ये शुरू करने जा रहे हैं, तो उसके लिए इनकी रिक्वायरमेंट निकली है। तो यहाँ आप देख सकते हो इसके लिए जो इनकी रिक्वायरमेंट संस्थापक शाला, इसके 2 पद निकले हुए हैं सॉरी। उसके बाद में शाला सामाजिक कार्य के लिए 3 पद निकले हैं, ये नीचे क्वालिफिकेशन दी हुई है देख सकते हो। प्राथमिक शिक्षक के लिए 12 पद निकले हैं, शालेय समुदाय के लिए और शाला प्रशासक के लिए भी काफ़ी सारे पद निकले हुए हैं। तो गाइस आपको देख लीजिए आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, और फिर जाके अप्लाई करने के लिए आपको नीचे रिज्यूम दिया हुआ है, इस ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, इस पे आपको अपना रिज्यूम सेंड कर देना है, या फिर आप इनके जो akansha.org इनके जो वेबसाइट है उस पर भी आप ये कर सकते हो। तो ये आकांक्षा फाउंडेशन इनके तरफ से ये जगह थी। तो गाइस मैं आपको 2 मिनट के लिए यहाँ रुकता हूँ, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो विदर्भ एग्रो इंडस्ट्री उमरेड के तरफ से आ रही है। यहाँ जो वैकेंसीज आई है प्रोडक्शन के लिए निकली है, प्रोडक्शन इंचार्ज के लिए। इसके लिए इन्होंने जो क्वालिफिकेशन मांगा, डिप्लोमा या फिर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपने एग्रीकल्चर में किया हुआ है तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। उमरेड में होगा आपका वर्क लोकेशन, साथ ही साथ यहाँ पे सेल्स मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए 2 पोस्ट निकली हुई है। इसके लिए जो इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगा है गाइस देख सकते हो आप, 12 पास ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से अगर रिलेट करते हो तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये भी गाइस उमरेड, भिवापुर, चिमूर, बेला, ये सभी वर्धा, गढ़चिरौली, यवतमाल, नागपुर, चंद्रपुर, भंडारा, इन सभी के लिए लोकेशन होने वाला है। तो गाइस ये एक अच्छा मौका है, इसके आपको फिक्स सैलरी दी जाएगी, साथ ही साथ इंस्टे ये इंटेंसिव भी दिया जाएगा। तो गाइस जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है 7 डेज के अंदर आपको अप्लाई करना है, इस दिए गए विदर्भ उसमें @gmail.com पर आपको अपना रिज्यूम सेंड कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है आप देख पा रहे होंगे 7 नंबर की वैकेंसी, ये देख सकते हो गाइस। यहाँ पे परचेस एग्जीक्यूटिव के लिए 1 पोस्ट निकली है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए 2 पोस्ट निकली है, यहाँ पे ओनली मेल कैंडिडेट इन्होंने मांगा है, ग्रेजुएशन विद 10 ईयर्स एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री मार्केटिंग में। तो गाइस आपको साथ ही साथ आपको पेट्रोल, मोबाइल, टूर एक्सपेंसेस ये सब मिलेगा गाइस, 10 ईयर्स एक्सपेंस है। तो गाइस मान के चलिए एक अच्छी सैलरी, एक अच्छा लाइफस्टाइल रहेगा आपका, क्योंकि पेट्रोल भी दे रहा है, पेट्रोल दे रहा है मीन्स ये ट्रैवलिंग का ही वर्क रहेगा गाइस। तो गाइस आपको इस दिए गए ईमेल एड्रेस पे आपको अपना रिज्यूम सेंड कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है गाइस देख सकते हो आप, 8 नंबर की वैकेंसी। तो गाइस ये यवतमाल से आ रही है, अभी जितनी भी वैकेंसीज आएंगे गाइस ये यवतमाल से आएंगे अभी। तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हो यवतमाल जिला मध्यवर्ती सरकारी बैंक मरिया यवतमाल के तरफ से ये जो वैकेंसीज आई है आप देख सकते हो। तो गाइस ये यहाँ पे इनके
अर्हता दी हुई है, यहाँ पे आपकी एज क्वालिफिकेशन दी हुई है, यहाँ पे इनका एक्सपीरियंस मांगा हुआ है और ये आपके वेतन शैली रहेगी। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, 31st इसकी लास्ट डेट है, 31st के पहले पहले आपको इसके भेज देना है मुख्य अधिकारी के। इस ईमेल एड्रेस पे आप अपना रिज्यूम भी सेंड कर सकते हो, ये पढ़ लीजिएगा गाइस, नीचे में आप स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हो। सो गाइस ये देख लीजिएगा। तो गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है गाइस देख सकते हो, 9 नंबर की वैकेंसी, ये भी आप देख सकते हो, विद्या निकेतन जूनियर कॉलेज के तरफ से है। ये साइंस और आर्ट कॉमर्स इंग्लिश मीडियम का कॉलेज है गाइस। ये भी यवतमाल से ही, आप देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट यवतमाल दिग्रस लेआउट। तो यहाँ आप देख सकते हो जो पोस्ट निकली है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बुक्स हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस, तो इन सभी के लिए वैकेंसीज निकली है। टीचिंग स्टाफ के लिए देख सकते हो, इन्होंने बीएड मांगा हुआ है, बीएससी मांगा हुआ है, एमए बीएड मांगा हुआ है फॉर 5 5 ईयर्स का। तो कैसे आपको अप्लाई करना है, तो इस दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हो या फिर इस दिए गए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है आप देख सकते हो गाइस, 10 नंबर की वैकेंसी, ये स्कूल ऑफ स्कॉलर की तरफ से, ये भी यवतमाल की तरफ से, ये वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है गाइस। यहाँ पे अकाउंटेंट की जरूरत है, यहाँ क्वालिफिकेशन जो मांगा है आप देख सकते हो, बीकॉम एम कॉम विद एक्सलेंट नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग का। ये जो लोकेशन रहेगा गाइस देख सकते हो, MIDC एरिया बोरधरण लोअर यवतमाल में, ये 24 तारीख को आप देख सकते हो गाइस, तो सुबह 10:30 से 4 बजे के बीच में। अगर आपका पॉसिबल नहीं हुआ जाना तो आप डायरेक्टली इस दिए गए ईमेल एड्रेस पे आप अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हो, इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। तो गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है आप देख सकते हो, ये 11 नंबर की वैकेंसी गाइस, ये विनय दावी दर्द स्कूल की तरफ से है गाइस। ये यहाँ जो वैकेंसी आई है ये देख सकते हो गाइस, वीना देवी दर्दा स्कूल, तो ये जो यहाँ जो वैकेंसी आई है आप देख सकते हो, यहाँ जो पोजिशन निकली हुई है, नंबर ऑफ पोजीशन आप देख सकते हो, PIT एंड TGT टीचर्स के लिए इंग्लिश हिंदी मीडियम फ्रेंच मराठी मैथ सोशल साइंस, सभी ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए गाइस टीचिंग स्टाफ के लिए पोस्ट निकली है। आप देख सकते हो इसके लिए जो इन्होंने क्वालिफिकेशन रखे है, MEd BEd CEd क्वालिफाइड अगर आप हो तो गाइस आप लोग अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ नीचे में देख सकते हो गाइस, सॉरी कम्युनिकल फैकल्टीज के लिए कंप्यूटर म्यूजिक वोकल इंस्ट्रूमेंट स्पोर्ट कोच के लिए आर्ट प्ले के लिए डांस लाइब्रेरियन के लिए इन सभी के लिए पोस्ट निकले हैं गाइस। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हो एडमिन के लिए रिसेप्शनिस्ट के लिए PA to Principal अकाउंटेंट ऑफिस क्लर्क और हेल्थ वेल्थनेस के लिए, ये गाइस क्वालिफिकेशन है आप लोगों की। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो गाइस, अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा गाइस। और गाइस सभी पोस्ट के लिए इन्होंने इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल आपको आने का होना गाइस, क्योंकि आपको लिखना और पढ़ना दोनों तीनों चीज़ें आने को होना गाइस, लिखना पढ़ना और बोलना ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि एक इंग्लिश मीडियम CBSE का स्कूल है इसलिए, और मस्ट भी IT इन्वॉल्व। अगर IT से सेक्टर का अगर नॉलेज है तो काफ़ी अच्छी बात है। तो जो भी अच्छे राइट कैंडिडेट होगा उसके लिए अच्छी सैलरी दी जाएगी। अप्लाई करने की जो है लास्ट डेट विद इन 10 डेज के अंदर आप लोगों को अप्लाई करना है। ये आपका ईमेल एड्रेस है गाइस, करियर है, इस पर आप अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हो और नीचे में आप इनके वेबसाइट या फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है ये देख सकते हो आप, एग्लो हिंदू हाई स्कूल यवतमाल की तरफ से, ये भी यहाँ पे भी जो पोस्ट निकली है कनिष्ठ शिक्षक के लिए एक निकली है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपकी सैलरी जाएगी वो 20,000 से जाएगी और उसकी जो क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है ओनली 12 पास के साथ साथ, ये देखिए गाइस तो प्रयोग सहायक के लिए जो पोस्ट निकली आप देख सकते हो, ओनली साइंस से अगर आपने 12 पास किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर कनिष्ठ लिपिक के लिए देख सकते हो 20,000 का सैलरी रहेगी आप लोगों की, ओनली अपने MEc IT अगर पास हो। और अगर सबको टाइपिंग स्पीड आपकी 30 to 40 पर मिनट वर्ड है टाइपिंग स्पीड इंग्लिश या फिर मराठी में, तो गाइस आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो आप देख लीजिएगा, इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 30 जुलाई है गाइस। तो 30 जुलाई के पहले पहले आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। तो गाइस ये आप पढ़ लीजिएगा जो भी दिया हुआ है। तो गाइस सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किसी भी जोन से बिलोंग करते हो महाराष्ट्र के, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी कोई रियल लाइफ में कोई आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो सकता है मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा गाइस, प्लीज जरूर आप मुझे बताइएगा। मुझे पता है आप लोग काफी स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन फिर भी कोशिश करते रहिएगा गाइस, कोशिश करने वालों की ही जीत होती है। सो गाइस मिलते हैं नए वीडियो में नए वैकेंसीज के साथ।
अगर अभी तक के आप लोगों ने किसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं अच्छी लगे तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। लेकिन गाइस आपके एक भाई बहन या दोस्त, जो भी आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, एक जेन्युइन कैंडिडेट जो सच में जॉब ढूंढ रहा है, उसके साथ लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे जैसा कंटेंट, इतना सारा कंटेंट है, इतनी सारी जॉब वैकेंसी वो एक वीडियो में कोई नहीं देता है गाइस। तो प्लीज़ गाइस जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हर किसी एक जो भी गाइस जॉब ढूंढ रहा है उसकी हेल्प हो सके। तो गाइस मिलते हैं, अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, बी फोकस, थैंक यू।